वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो आज है शुरुआत हो गई है न्यू डे की, न्यू ब्लॉग की, और साथ ही में हमारे तीर्था भी यहाँ पे रेडी है। रिकॉर्डिंग करती हूँ। हाँ, चेहरा देखकर आपको पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है। थोड़ी सी तबीयत लूज है तीर्था की, और हैंड जो है उसका हाथ वो बहुत दर्द कर रहा है ना। अगर हम उसे छुए ना तो भी उसे दर्द कर रहा है। नहीं तो अभी फिलहाल दवाई की बारी है। ये देखो, ये दवाई पीनी है तीर्था को, पर ये जो है वो पिघलती ही नहीं है, और तीर्था पिघल बिना पीती नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे आइडिया लगाया, इस दवाई को मैंने इसे चम्मच जो है वो ये देखो मिक्स कर दिया। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे और तीर्था को पिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से करना चाहो तो ज़रूर करना, ठीक है? इसलिए मैंने आइडिया बताया। तो ये है तीर्था की दवाई, तो मैंने आइडिया लगाया, वो आप भी लगा सकते हो अगर आपके बच्चे ना भी है। और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हो अगर बच्चे को जो गर्मी लगे दवाई। तो ये देखो तीर्था तो अभी पी जाती है, तो उसे गुड़ मिला कर पिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो पी जाओ, चलो थोड़ा नखरे करती हूँ, उसके बाद पी जाती है। चलो देखो तीर्था ने जो अच्छे से दवाई पी ली। मिल्कशेक तुम्हें आता है? मिल्कशेक बनाना ठीक है। पहले छाछ, अपनी रेसिपी है तीर्था की। फिर नहीं आता क्या? मसाला यस, वो उसके बाद फिर मिक्स कर लेना। आपको दही चाहिए तो एक चमची थोड़ा सा दही। अच्छा, उसके बाद चम्मच से ओके ओके ओके, थैंक यू रेसिपी देने के लिए। सब लोग ट्राई करना, तीर्था यहाँ पे ट्राई करके मुझे पिलाने वाली है। हाँ। जाओ जाओ जाओ, तीर्था का हैंड बहुत दर्द कर रहा है ना, पर फिर भी तीर्था ब्रेव गर्ल है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं मिल्कशेक तो बना के ही रहूं। मिल्कशेक जो बना के ही रहेगी और मुझे पिला के ही रहेगी। नहीं ओके ओके, मुझे अगर पसंद आएगा ना तो मैं थोड़ा सा पीऊंगी, ज्यादा पसंद आएगा तो मैं ज्यादा पीऊंगी, और कम पसंद आएगा तो थोड़ा सा पीऊंगी। ठीक है ओके, देन दही ना खोलना। हाँ हाँ, थोड़ा सा दही डालना। ओके चलो, नाश्ते में क्या किया सबको बता दो। नाश्ते में आलू से नहीं, स्पाइसी वैसी वो आती है ना, ऐसा नहीं करते था, गंदी बात। मैं पर वो भी नहीं करते, ऐसे बच्चे छोटे छोटे देखते हैं ना तो वो सीख जाते हैं कि ऐसे करने का, इसलिए ऐसे मत करना। ठीक है ओके डन, चलो अभी तो शाम हो गई है। अभी अभी मैंने तीर्था के लिए जो उसने कहा कि मुझे चिल्ले खाने हैं, तो मैंने कहा कि सूजी नहीं है घर में, सूजी जो है थोड़ी सी है, तो मैंने कहा सूजी नहीं है, बेसन की बना लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है बेसन के ही बना दो, उसे भूख लगी थी, तो उसने कहा क्या बना ही दो। तो फिर अभी इसके लिए चिल्ले बनाए, और बारिश कब से स्टार्ट है, दोपहर के बाद शायद चार या पाँच बजे, चार बजे भी नहीं आ रही थी बारिश, उसके बाद आई शायद। तो बारिश आ रही थी कब से, तो अभी तक तो छुट्टे जो है वो थोड़ी थोड़ी बारिश आ ही रही है। बाकी हम अभी रेडी होकर बस बैठे हैं, और हाँ आज पापा का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे पापा। पापा मेरे ब्लॉग देखते हैं तो हैप्पी बर्थडे पापा। मैंने अभी तक फ़ोन नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर सीधा पापा को विश करूँगी, तो देखते हैं क्या होता है, कब जाते हैं हम। और हाँ, हम सेलिब्रेशन थोड़ा सा छोटा सा करेंगे, पर आज नहीं कल करेंगे, तो कल के ब्लॉग में वो देखने के लिए, कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। ठीक है अभी बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। अभी बारी है शाम की चाय की, तो यहाँ पे है चाय, आधी मैंने पी लिया है थोड़ी सी, पाँव के साथ। मैंने अकेली चाय जो है मुझे पसंद नहीं है, तो पाँव के साथ खाई है। साथ ही में यहाँ पे हमारा चवाणू, चवाणू में क्या होता है सब कुछ मिक्स आता है, कठोर आता है, सेव आती है, फिर भुजिया आते हैं, गाठिया होते हैं, सब कुछ इसमें, बिंगो होते हैं, चिप्स होती है, सब कुछ मिक्स होते हैं, पीनट्स होते हैं। तो खाने में जो मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा मीठा वाला होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। आप में से किस किसने खाया है चवाणू, कमेंट में बताइए। ठीक है तो अभी रात हो चुकी है, और अभी हम निकले हैं एक छोटा सा आराम लगाने के लिए, क्योंकि तीर्था का जो है आराम लगाना था। तीर्था को यही टेंशन है स्कूल नहीं देना, बस मैंने कहा कि एक
दिन चलो ठीक है, नहीं फिर स्कूल पे कल चली जाना, कल नहीं कटोगी और चल जाना मंडे की नहीं। वैसे भी कल सैटरडे है, संडे है और फिर मंडे की नहीं चले जाना। और फिर भी नहीं टेंशन है कि मम्मा जो है सुबह उठा के मुझे भेजेगी, स्कूल जाना है। तो ये आ गया हमारा बात डाउन से मैं और तीर्था शेयर करेंगे। तीर्था को कम ही पीना है क्योंकि उसे बुखार है ना, अभी तो कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है बुखार। देखो देखो तो डाउन से तो ऐसे बीती है, ऐसे दवाई भी पी लेनी चाहिए। तीर्था 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 ऐसे जीभ इतनी इतनी लंबी गंदू। बादाम से हो गया हमारा डन खत्म। बैक टू माय चैनल, आज हम करने वाले हैं मेहंदी से यहाँ पे कर। नहीं मुझे यहाँ पे नहीं मेहंदी करनी। ये देखो आज मेहंदी का कौन लेके बैठ गई है। हम आ गए हैं बादाम सेक पी के घर पे, बहुत मजा आया ठंडा ठंडा बादाम सेक पीने में। और आज हाँ ईद है तो आप सभी को ईद मुबारक। और बस मेहंदी चल रही है, कौन हाथ में लग गया है तो आज तबीयत बहुत अच्छी है, ठीक है, मूड भी अच्छा है। शाम को तो बहुत अच्छा हो गया था मूड। तीर्थ क्या करी हो? पर मेहंदी का मुझे नहीं लगानी मेहंदी। बस क्या कर रही हो? देखो मेहंदी नहीं निकल रही तो अच्छा हुआ, मेहंदी नहीं निकल रही तो मैं कल अपने हाथों से लगा लूंगी, ठीक है। नहीं नहीं, और हाँ पापा के पास जाना था घर पे, मम्मी के घर पे, वहाँ पे भी नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ यहीं पे ही लेट हो गया था। तो हमने सोचा कि कल ही चलते हैं, तो कल हम जाएंगे और कल पापा को विश करेंगे। आज मैंने फ़ोन किया था पर वो सब सो चुके थे, और पूरे दिन में मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं घर पर जाकर ही विश करूँगी, तो रह गया। बाकी चलो अभी ये ब्लॉग ही बैन कर देते, एक छोटा सा ब्लॉग है। आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक जैसा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। तीर्था सबको गुड नाइट जय श्री कृष्ण कह दो। सबको पहले बोल दो जय श्री कृष्ण, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक शेयर और नहीं करना, और देखो नहीं करना कह रही, तीर्था की बात बिल्कुल भी मत मानना, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।